coffee. सॉरी, कल मैंने थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर दिया. एक तो ऑफिस का हंगामा, आई टू क्विट, ऊपर से ये सब. क्विट? यू वर एक्सपेक्टिंग पार्टनरशिप ना? आई वाज कॉन्ड जस्ट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट. नो वेट, बट निहारिका, शी गिव यू कॉन्फिडेंस. निहारिका वाज अ पार्ट ऑफ दिस. टैलेंटेड है यार, यू डिजर्व द बेस्ट. यू गेट अ बेटर जॉब. जॉब तो नहीं, हाँ अब कुछ अपना स्टार्ट करना है. अपनी बहन से इंस्पायर होना है. Hi, we are genuinely sorry. हम कभी भी तुझे हर्ट नहीं करना चाहते थे यार, और जिस तरीके से, बहुत अजीब हो गया यार. It's okay. Like I said, you guys are adults. तुम लोग जो चाहे कर सकते हो. हाँ, मेरे लिए मुश्किल है. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मेरा बेस्ट फ्रेंड एंड माय सिस्टर, वो भी 2 साल से. भाई, 2 साल पहले वी रियलाइज दैट वी लाइक ईच अदर, और फिर पुलकित ने प्रो कोड की वजह से मुझे कट ऑफ ही कर दिया था अपनी लाइफ से, एंड आई हेटेड हिम फॉर दैट. वो मुझे पता था अगर हमारे बीच में कुछ होता ना तो तुझे बुरा लगता. आई डिडंट वांट टू हर्ट यू, आई स्वेयर. मुझे यहाँ पर आना भी नहीं था ब्रो, मजबूरी में यहाँ पर आ गया. मैं 10-12 लोगों से पूछा, सबने मुझे ना बोला, तो मैं यहाँ पर आया हूँ फाइनली, एंड आई थैंक यू फॉर दैट जेन्युइनली. लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अपनी फीलिंग राशि के लिए रेजिस्ट नहीं कर सकता. आई लव हर, आई लव हर मोर देन आई हैव एवर लव्ड एनीबॉडी. यू लव हर? या. और तू? या, आई लव हिम भाई. यू गाइस आर इन लव विद ईच अदर, माय बेस्ट फ्रेंड एंड माय सिस्टर. ऑब्वियसली यार. वैसे ब्रो, मैं सोच रहा हूँ जो तूने मुझे एडवाइस दी थी ना, वो मैं ले लूँ. कि यार, एक लड़की के साथ में क्यों सीरियस हो रहा है? एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, तेरी उम्र है, ऐश कर. तो ब्रो, आई थिंक यू आर करेक्ट. आई विल किक योर एस. ओके, आई लव अ मैन. कितना टाइम लगाएगा यार, मेकअप कर रहा है क्या? चलो चलो गाइस, आई एम रेडी, आई एम रेडी, लेट्स गो. थोड़ा और रेडी हो जाते हैं. क्यों, अच्छा नहीं लग रहा क्या? चेंज कर गया हूँ 2 मिनट में. यार तू भी, और भाई तू भी. चलो यार, बहुत लेट हो रहे हैं, खाना भूख लग रही है. अरे यार मास्टर जी, क्यों? मास्टर जी आप? हाँ बेटा, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे खुद आना पड़ा. आइए ना मास्टर जी, बैठिए. आइए मास्टर जी, बैठिए. क्या हुआ? ये देखो बेटा. मास्टर जी, मोबाइल में था तो सेंड कर देते. मास्टर जी, ये तो बिल्कुल वैसा ही गोटा है जो हम लोग ढूंढ रहे थे. बताओ, अब जाके मिला है, क्या फायदा? बेटा ये वैसा ही नहीं, बल्कि वही है. कल रात को मैं बतरास के गोडाउन में कुछ ढूंढ रहा था, तो कोने में पड़ा एक बैग मिला जिसमें ये था. मतलब मैं समझी नहीं. मैं समझाता हूँ. चंद्रा ने उस कारीगर को डराया, धमकाया, लालच दिया और उसे ये गोटा ले लिया, और उस कारीगर ने हमसे झूठ बोला. चंद्रा कौन है? इंद्रनील चंद्रा, डिजाइन डिविजन हेड है बतरास में. नहीं पर चंद्रा ऐसा करेगा क्यों? ताकि राशि बेटा अपने प्रोजेक्ट में कामयाब ना हो पाए और उसकी इमेज मार्केट में खराब हो जाए. मास्टर जी, पर हमारे डिजाइंस के बारे में तो किसी को भी नहीं पता. बेटा रितिका की ऑफिस में कोई है जो तुम्हारी सारी बातें उसको बताता है. इतना बड़ा डिजाइनर हाउस है, उसमें इतनी घटिया हरकत कोई कैसे कर सकता है? शायद इसलिए क्योंकि राशि ने उनका क्लाइंट ले लिया. बेटा ये गोटा अब मेरे पास है, तुम चाहो तो हम लोग उसे अभी भी ड्रेस पर लगा सकते हैं. नहीं चाहिए मास्टर जी, अब जो हमने डिजाइन फाइनल किया है उसी पे ही काम करेंगे. और मैं ये भी नहीं चाहती कि आप पे किसी भी तरीके का कोई शक है. चंद्रा को पता से चलना चाहिए, वो कुछ चीजें हाईजैक कर सकता है, मेरा टैलेंट नहीं. ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ. थैंक यू मास्टर जी. थैंक यू किस बात का बेटा? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम कामयाब हो जाओ और मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ काम कर सकूं. बस सलील आदमी के साथ नहीं. अच्छा बेटा, चलो ठीक है ना, मतलब ड्रेस तो बन रही है ना, सब कुछ अप्रूवल मिल गया तुझे, है ना? और ये सोच, तू इतनी बड़ी थ्रेट है उनके लिए कि उन लोगों को इतनी तुच्ची, इतनी गिरी हुई हरकत करनी पड़ रही है. मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही कि इतनी बड़ी कंपनी ऐसा करेगी क्यों. या तो मास्टर ही झूठ बोल रहे हैं या फिर उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है.
मास्टर जी झूठ नहीं बोल रहे। हाँ, she's right. बॉसेस होते ही ऐसे हैं। अपने किसी भी एम्प्लॉय को आगे बढ़ने ही नहीं देते। बॉसेस नहीं, सिर्फ वो चंद्रा, उसी का किया था ऐसा। पर क्यों यार, उससे क्या फायदा होगा? ये सब सुन के ऐसा लग रहा है कि उसको कुछ पर्सनल ग्रज है तुझसे। He wants to get back at you. कुछ हुआ था क्या? ऐसी क्या हुआ? बता ना। आशी, छोटी, it's okay. तू शेयर कर सकती है। सर, आई जस्ट वॉन्टेड टू से दैट कि मुकुल सिन्हा के प्रोजेक्ट से आपने मुझे बिल्कुल ही साइडलाइन कर लिया है और रिम्मी को इन्वॉल्व कर लिया है। सर, शी इज जस्ट एन इंटर्न, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। माई डिजाइन्स आर एनी डे बेटर। आई एग्री, योर डिजाइन्स आर एनी डे बेटर, बट रिम्मी हैज अ बेटर एटीट्यूड। वो मुझसे सीखना चाहती है। शी अलाउज मी टू गाइड हर। That's okay. Things can change. तुम अभी भी मुझसे सीख सकती हो। फिर देखो तुम्हारा करियर किस लेवल पे पहुंचता है। So with due respect, पिछले दो सालों में मैंने जितना मैं क्या बकरी की तरह मैं you are so self-centered. Where is the teamwork? Where is the team spirit? You and I have to work together as a team. Where is the comfort level? Where? मैं वीकेंड के लिए अपने फार्म हाउस अलीबाग जा रहा हूँ। Come along. You'll get to know me better. And I promise उसके बाद सभी प्रोजेक्ट्स तुम ही हेड करोगी। Excuse me, I think I should go back to my desk. उसने ऐसे अटेम्प्ट्स बहुत बार किए मेरे साथ। मेरे लिए काम करना हुआ इतना ज़्यादा टॉक्सिक और सफोकेटिंग हो गया था कि What the hell man, bro, चल मेरे साथ। साल का मुंह तोड़ के आते हैं। पागल मत बन, बैठ। उससे क्या होगा? छुटकी, इतना कुछ हुआ तूने एक बार भी सोचा नहीं मुझे बताने का? मुझे नहीं पता था तू कैसे रिएक्ट करेगा, और तेरा खुद का वर्क प्रेशर इतना था उस टाइम पे। यार, आर यू मैड? फैमिली किस लिए होती है? हम दोनों अपने पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ साथ में इसलिए रह रहे हैं ना, ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। तूने कंप्लेंट क्यों नहीं की? की थी मैंने एचआर से। बुलाया उन्होंने मुझे, कह रहे थे गलती मेरी है क्योंकि मैंने उसे लीड ऑन किया है। कभी कभी दो मीटिंग्स के बीच में साथ में लंच कर लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसके साथ लंच डेट पे गई थी। यार, मेरे लिए वो एक मेंटोर की तरह था मेरा। And that's when I decided, यार, मुझे नहीं करना यार ये। I just wanted to quit. Ironically, मुझे resignation letter भी उसे ही पकड़ाना था। अच्छा हुआ तुमने अपना resignation दे दिया। I was anyways about to fire you. On what grounds, sir? Misconduct. Me? Misconduct? तुम्हें क्या लगा कि HR में जाके मेरी complaint करोगी और वो मुझे निकाल देंगे? 12 साल से इस company में हूँ and I am the spine of this company. Spine. Well. I pity this company, sir, जिसका spine एक spineless इंसान है। मैं देखता हूँ तुम्हें कहाँ job मिलती है। Oh please sir, आपको कुछ देखने दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद का काम शुरू करने वाली हूँ। Best of luck. अरे सर, कि किसी गली में जाके अपना एक boutique खोले ना, महीने की 4 कुर्तियाँ तो बेच ही लोगे। Thank you so much sir for your wishes. So यकीन था, मैं life में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊँगी। इसलिए जब उसे रितिका कपूर वाले project के बारे में पता चला, तो उसने ये सब किया। मैं तुझे बोल रही थी ना उस दिन, ब्रेव नहीं हूँ यार मैं, बस कोई और ऑप्शन ही नहीं था। राशि, तू ब्रेव है, ये सारे डिसीजन तूने खुद ली है अकेले, तू बहुत ब्रेव है। बिल्कुल, मैं तुझे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पढ़ना यार उन सब नेगेटिविटी में, इतना बड़ा डिजाइन हाउस है, मीडिया में इतनी तेजी से बात फैल जाती है और सारे एलिगेशन उल्टा मुझ पर लगते हैं। लोग ये समझेंगे कि ये सब मैंने पब्लिसिटी के लिए किया है, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया तो मैं उनके ऊपर केस कर रही हूँ। जिसको जो सोचना है तू सोचने दे, उनकी थिंकिंग को तू कंट्रोल नहीं कर सकती है। तूने जो कुछ भी किया है ना, गलत नहीं किया है, लेकिन अब वक्त आ गया सही करने का। कर लूंगी मैं अपने लिए। और मम्मी पापा, पूरे फालतू में लोगों के सवाल झेलने पड़ेंगे। मम्मी पापा से मैं बात कर लूंगा, तू टेंशन मत ले। इनफैक्ट दे विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू। राशि, यू हैव टू डू इट। तू इस लड़ाई में अकेली नहीं है, हम दोनों तेरे साथ हैं। एंड चंद्रा हैज टू पे फॉर व्हाट ही हैज डन। क्या
यू गाइस आर राइट। टाइम आ गया यार चंद्रा की हकीकत दुनिया के सामने लाने का। Finale of Bin Bulaye Mehman Season 4. I hope you guys liked it. हमने बहुत ही मेहनत से बनाया है और बहुत ही passion के साथ बनाया है। और ये जो थके हुए चेहरे आपको सबको सबके दिख रहे हैं, that's actually real, genuine. So I really hope that you liked it. और like करते हैं तो अगर क्या पता उन्होंने miss कर दिया कोई। अगर आपने आज के episode से अगर आपने join किया है तो मैं कहना चाहता हूँ कि सारे episodes online हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके आप binge watch कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए SIT को।